शांति। ज्ञान सरोवर के सुंदर परिसर में हम सभी समाज सेवी भाई और बहनें अपने समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी सोसाइटी को हेल्दी एंड हैप्पी बनाने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन को शुरू करने के पूर्व आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं उनका मैं मंच पर आह्वान करूंगी। बीके सुमन बहन जी, रिस्पेक्टेड श्रीमती सीमा नायर, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी, श्रीमती पूजा कालराजी, आप सभी मंच पर आकर के इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले करण करावन हार हम सबका प्यारा पिता परमपिता परमात्मा शिव का हम आह्वान करेंगे और 2 मिनट साइलेंस में उस परमात्मा पिता को याद करेंगे। अयम निजः परो सबका मालिक एक है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है और जहाँ पारिवारिक भावना है वहाँ हेल्दी और हैप्पी सोसाइटी है। तो हम सब चलते हैं ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए। आज का हमारा इस सत्र का टॉपिक है बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। स्वागत की कड़ी एक ऐसी कड़ी है जिसमें फूलों की खुशबू हमारे हृदय से निकलती भी है और फैलती भी है। आज का हमारा सुंदर विषय बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। अब जब शब्द हम सुनते हैं बैलेंस शीट तो जरूर विचार होता कि यहाँ कौन सी बैलेंस शीट है, क्योंकि बैलेंस शीट अक्षर करके अकाउंटेंसी का शब्द है या बिजनेस के अंदर यह अकाउंटेंसी आती है। परंतु आज इस आध्यात्मिक परिसर में हम बैठे हैं बैलेंस शीट ऑफ लाइफ को जानने के लिए। बैलेंस का होना हर जगह जरूरी है, चाहे हम किसी भी फील्ड के अंदर है। भगवान ने हमें एक ऐसी कलम हमारे हाथ में थमाई है जिस कलम के आधार से कर्म और भाग्य के बैलेंस को हम बना सकते हैं। बैलेंस चाहे शरीर का बैलेंस, व्यवहार का बैलेंस, जीवन का बैलेंस और जीवन के हर पहलू पर बैलेंस। यदि हमारे शरीर का भी बैलेंस नहीं होगा तो हम खड़े नहीं रह सकते। मन के अंदर अगर बैलेंस नहीं है तो सारे साधन सारी उपलब्धियां होते हुए भी उसका सुख हम नहीं ले पाते। अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं है तो
तो स्वास्थ्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। सोसाइटी में बैलेंस नहीं होगा तो सुखी सोसाइटी नहीं हो सकती है। बैलेंस के आधार से सर्कस में कलाकार अपनी कलाकृति को प्रदर्शित करके ऑडियंस का मन मोहित करती है, यानी खुशी को बांटती है। तो हैप्पीनेस के होने के लिए हमारे जीवन के अंदर बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने हमेशा हमें बैलेंस में जीवन जीने की कला सिखाई है। न केवल वही, परंतु इस ब्रह्मा कुमारी यज्ञ की पालना करने वाली जगदम्बा माँ सरस्वती जी, इन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा बैलेंस बनाए रखा जिस बैलेंस के कारण सबसे बड़ा बैलेंस अपने मन और बुद्धि का भी है। जहां मन और बुद्धि का बैलेंस होगा तब ही हम अपने जीवन के अंदर आने वाले बहुत से बातों को सही रीति से डिसीजन ले सकते हैं। तो यह बैलेंस क्या है और लाइफ में इसकी क्या आवश्यकता है, किस तरह से हम अपनी लाइफ को बैलेंस बनाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं एक समय ऐसा था जहां पर हमारी सोसाइटी कंप्लीट बैलेंस में थी और इसके कारण सुख शांति समृद्धि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ था। आज उस बैलेंस लाइफ को, उस जीवन को हमने आदर्श बनाकर रखा है। तो बैलेंस शीट ऑफ लाइफ को एक ऐसा सुंदर विषय है जो हर मानव के लिए आवश्यक है। यह कैसे हम बना सकते हैं और यह स्पिरिचुअल नॉलेज राजयोग का मेडिटेशन इसमें किस तरह से हमें आगे बढ़ाता है, इस विषय को आज हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आह्वान करती हूँ ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन, आप चंडीगढ़ से पधारे हैं। 1992 से आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त कर 95 से संपूर्ण समर्पित जीवन जी रही हैं। ब्रह्मा कुमारी राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की सोशल विंग की आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हॉल में जो बैठे हुए आप सभी भाई बहन, मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि जो अलग अलग बैठे हैं, कोई उस कोने कोई इस कोने, तो मैं चाहूँगी कि अगर जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं और जो बहुत साइड में बैठे हैं वो भी थोड़ा सा सामने आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, बैलेंस। तो अगर हॉल का बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि वो सामने आकर बैठे तो अच्छा लगेगा। आज के सम्माननीय मंच, आदरणीय आशा दीदी और मंच का संचालन करने वाली हमारी मीना बहन और हमारे आज के अतिथि सीमा, सीमा जी और पूजा जी और सभा में बैठे हुए आप सब भाई बहने,
हम दो दिन से बहुत सुंदर बातें सुन रहे हैं और बहुत सुंदर इस परिसर में आप अवलोकन भी कर रहे हैं, यहाँ के वाइब्रेशन को भी महसूस कर रहे हैं और यहाँ जो सिस्टम है उसको भी आप देख रहे हैं। अभी हमारी मीना बहन बहुत सुंदर बातें बता रहे थे कि हर चीज़ दुनिया में बैलेंस से चलती है, चाहे प्रकृति है चाहे ऋतुएं हैं, हर चीज़ बैलेंस में चलती है। अगर एक भी चीज़ का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इस सृष्टि पर रहने वाला मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी और स्वयं प्रकृति भी डिस्टर्ब हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि लास्ट ईयर बारिश कम होने से सबका जीवन कई स्टेट्स में अस्त व्यस्त हो गया, बैलेंस बिगड़ गया। तो इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक बैलेंस से चलता है। आज हम यहाँ सब आए हैं ज्ञान सरोवर माउंट आबू में, जो पहले दिन भी पूछा था कि हो सकता कई ऐसे भी भाई बहन होंगे जिनकी टिकट नहीं थी, टिकट किसी और की थी लेकिन पहुंच कोई और किया, तो इसको क्या कहेंगे कि ये भगवान की मर्जी थी या आपकी मर्जी थी? आप किसकी मर्जी से यहाँ आए? भगवान की मर्जी से आप यहाँ आए, ऐसा सभी ये मानते भगवान की मर्जी से आए या अपनी मर्जी से? हाँ जी, दोनों से, भगवान की भी मर्जी थी और आपकी भी मर्जी थी। लेकिन इसी बात को हम आगे देखते हैं कि बहुत लोग कहते हैं ये सब भगवान ने किया, भगवान करता है अच्छा बुरा कौन करता? भगवान करता है। लेकिन भगवान अगर सब कुछ करता है तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि जैसे एक माता पिता हैं, वो अपने बच्चों का भाग्य कैसे लिखेगा? आप माता पिता बैठे हैं, आप अपने बच्चों की का भाग्य कैसे लिखेंगे? शेयर करेंगे, परफेक्ट लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। अगर आपको अपने बच्चे का लिखने के लिए कह दें कि आप उनका स्वास्थ्य के बारे में लिखें तो क्या लिखेंगे? बेस्ट लिखेंगे, परफेक्ट लिखेंगे। उनकी एजुकेशन के का रिजल्ट अगर लिखने के लिए बोलेंगे तो भी सेकंड कोई नहीं लिखेगा, सब क्या लिखेंगे? ओनली फर्स्ट, फर्स्ट ग्रेड। इसी प्रकार अगर हम नौकरी तो सब आईएएस से कम नहीं लिखें बनाएंगे, तो हर माता पिता अपने बच्चों का भाग्य क्या लिखना चाहता है? बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इसी प्रकार सोचिए कि अगर भगवान हमारा भाग्य लिखे तो वो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा? अगर भगवान इस दुनिया को चलाता है, बहुत लोग कहते हैं जी दुनिया को भगवान न चलाता है, तो आप सोचिए दुनिया को भगवान चलाता हो तो कैसे चलाता? हाँ जी, अगर दुनिया को भगवान चला रहा होता इस समय तो कैसे चलाता? जैसे चल रही है वैसे चलाता, परफेक्ट चलाता। और इधर से भाई बहन क्या कहते? सतयुग ही रहता। और तो आज ये दुनिया अगर इस तरह की है तो हम क्या कहेंगे, भगवान चला रहा है या भगवान इस दुनिया, भगवान ने दुनिया बनाई है ऐसी?
या जैसे आपने कहा कि हमें भगवान ने यहाँ भेजा, तो आप देखिए कि अगर दुनिया भगवान की मर्जी से चलती, भगवान की, तो दुनिया बहुत सुंदर चल सकती थी, दुनिया परफेक्ट होती। इस स्टेज पर दुनिया को पहुंचाने वाला कौन? हम लोग ही हैं, हम लोग ही ये सब कुछ करते हैं। अब एक बात और है, एक बात हम और करते हैं, जैसा कर्म हम करेंगे, एक फिलॉसफी ये है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। दूसरा यह ये है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो भगवान कर रहा है, दोनों में से एक चूज कीजिए। जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे मिल रहा है, या फिर जो कुछ हो रहा है वो भगवान कर रहा है? मेरा कर्म है, जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी नहीं है। राइट या रॉन्ग? राइट है। तो जो कर्म मैं कर रहा हूं, फिर हम जाने अनजाने में अपने आप से पूछिए, जाने अनजाने में हम बहुत बार ये कह देते हैं ये भगवान ने किया है। अच्छा होता तो हम क्या कहते, मैंने किया है, और थोड़ा गड़बड़ हो जाती है तो क्या कहते हैं, भगवान ने किया है। एक तरफ हम कह रहे हैं हमारे ही कर्मों का फल है, और दूसरी तरफ हम क्या कह रहे हैं कि ये भगवान की मर्जी थी, ये सब कुछ भगवान ने ही किया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान कहता मैं कुछ नहीं करता, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का खेल है। भगवान ने हमारे हाथ में एक कागज, प्लेन पेपर और एक कलम दे दी है, तुम जो चाहो इस पर लिख लो, लेकिन याद रखना जो लिखोगे वो फेस करना पड़ेगा। अच्छा लिखेंगे तो भी फेस करना पड़ेगा, बुरा लिखेंगे तो भी फेस करना पड़ेगा। जब हम लिख रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा इंजॉय कर रहे थे, किसी को इरिटेट करके, किसी को दुख दे करके, लेकिन जब उसको फेस करने लगे, वो सामने आया, तो क्या कहा, भगवान सारी दुनिया में मैं ही रह गया था क्या? भगवान ये सब कुछ मेरे साथ ही करना था क्या? लेकिन भगवान ने क्या कहा, बच्चे जो तूने इस पेपर पे लिखा है वही तुम्हारे सामने आ रहा है, और वो पेपर क्या है, एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाना चाहती हूं। देखिए, आप वैष्णो देवी जाते हैं, पूरी बस जाती है, बहुत इंजॉय करके जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक, चाहे कोई भी कारण बनता है, ड्राइवर को नींद आई, ब्रेक फेल हुआ, कुछ भी हुआ, बस जाके खाई में गिर जाती है और काफी नीचे बस पहुंचती है। जब लोग आते हैं तो देखते हैं बहुत लोग, कईयों की डेथ हो जाती है, तो कईयों के टांग फ्रैक्चर, तो कईयों का हेड इंजरी, कईयों का शोल्डर, कईयों का कहीं और जा फ्रैक्चर हुआ होता है। ये क्यों? क्या ये वैष्णो देवी की मर्जी थी? क्या ये वैष्णो देवी ने किया? किसने किया? इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, सोचिए, आप में से कोई एक पार्टी देता है,
चाहे वो मैरिज की है, चाहे वो बर्थडे की है, चाहे वो एनिवर्सरी की किसी भी चीज़ की है, आप होटल में अपने सारे संबंधियों को बुलाते हैं। अब आपने होटल में पार्टी अरेंज की, उसमें वेज नॉन वेज सब कुछ अरेंज किया। उस समय अगर हम आपसे पूछते हैं कि भाई साहब आप या बहन जी आप भी खाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग यूज नहीं करते, तो फिर क्यों अरेंज किया? क्या करें लोगों के लिए, क्या करें लोगों के लिए, करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि उस पार्टी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो नॉनवेज नहीं यूज किया और कुछ लोगों ने किया। अब उसमें कर्म की गति आप देखिए कि किसने उसको काटा, कौन लेके आया, किसने उसको पकाया, कौन सर्व कर रहा है और किस किस के हिस्से में क्या क्या आया। किसी के लेग आई, किसी के कुछ और आया, सबके हिस्से में एक ही चीज नहीं आती। तो जिस जिस ने जो चीज खाई, आप उस वैष्णो देवी के एक्सीडेंट में देखिए कि वो किसी ना किसी जन्म में आप ही वो लेके जा रहे थे बस में बिठा के अपने मित्र संबंधियों को, और आप ही निमित्त बने, आप ही सोर्स बने ले जाने के, और वो बस का एक्सीडेंट हुआ। उसमें सबको एक जगह चोट नहीं आई, क्यों अलग अलग आई, और कई तो ऐसे भी थे जो बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई। हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भगवान ने इनको ऐसे बचा दिया। किसने बचाया, किसने बचाया? कर्म की गति है। किसी का सिर इंजर्ड हुआ, किसी का शोल्डर, किसी की टांग, किसी का बाजू, किसी की बैक, किसी का पेट, क्यों? और वो ले जाने वाला बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसमें और भी जो सवारियां थी वो बच गई। ये कर्म की गति है। आपको उस बस में बैठना ही था, उन जो बच गए, जो जिनको क्रोच भी नहीं आई, उनको भी उस बस में बैठना था, क्योंकि पार्टी में भी वो लोग इन्वॉल्व थे। तो ये कर्म की गति है कि हम अगर हम उस कर्म में इन्वॉल्व भी हैं तो भी आपको उसका हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर मुझे अपने भाग्य को ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करते हैं हम? हमें पता चल जाता है हमारा भाग्य ठीक नहीं है, हमारे दिन ठीक नहीं चल रहे, हमारा समय ठीक नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं? आप सब करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं? पूजा कराते हैं, और क्या करते हैं? हवन कराते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सब हम किस लिए कराते हैं? कि मेरे दिन ठीक हो जाए, मेरा भाग्य ठीक हो जाए। अब पूजा करते हैं, एक तरफ हम पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं ये ज्योतिष, ये पंडित, ये पुजारी, ये ब्राह्मण अच्छा भी है या नहीं, इसकी बातों में सिद्धि भी है या नहीं। भाइयों बहनों, कुछ भी करते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। हम कई भक्तों की बात सुनते हैं, पत्थर से भी भगवान की प्राप्ति हो गई। हम कईयों की बात सुनते हैं, कैंसर पेशेंट थे, कहां कहां से दवाई हुई, इलाज नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, किसी ने एक बिना रैपर के गोली दे दी और कहा आपके लिए अमेरिका से मंगवाई है, क्या होगा, क्या होगा?
अमेरिका से मंगवाई है बिना रैपर्स के गोली है, और उसने खाया और उसको देखा, दो दिन चार दिन खाई और फर्क पड़ना शुरू हो गया। गोली कौन सी थी? हो सकता है पैरासिटामोल हो सकता है वो क्रोसिन हो, लेकिन फायदा किसने किया? मेरे बिलीव सिस्टम ने। मेरा बिलीव सिस्टम अगर स्ट्रांग है, जो कहा ज्योतिष, अगर आपको चूल्हे की राख भी दे दी जाए, लेकिन अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है तो वो काम कर जाएगी। अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपको महंगी से महंगी दवाई भी असर नहीं कर सकती। इसलिए कुछ भी हम, तो बिलीव सिस्टम का मतलब क्या है? आपने जो पूजा करवाई, कुछ भी करवाया, वो असर नहीं कर रहा है। असर कर रहे हैं आपके थॉट्स, आपके विचार। अगर आपने विचार अच्छे किए और अच्छे विचार भी स्ट्रांग किए तो क्या होगा? बदल जाएंगे। मैं किसी से बात कर रही थी कि जब इलेक्शन थे तो मैंने बात की कि भाई साहब देखिए, मोदी फिर से बन गए हमारे प्रधानमंत्री, कैसे हुआ? कुछ लोग उनके नेगेटिव भी थे, तो बोला वो नेगेटिव भी क्या बोल रहे थे, वो नेगेटिव भी ये बोल रहे थे मोदी फिर से आ जाएगा, बोल रहे नेगेटिव, लेकिन कैसे बोल रहे? उनके पास कौन सी एनर्जी जा रही है? आ जाएगा, ये नहीं बोला नहीं आएगा। तो हम जो रिफ्लेक्शन देते हैं वो हमारे कर्म हैं, जो हम रिफ्लेक्शन दे रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन जब वापस आ रही है वो क्या है? वो मेरी डेस्टिनी है, वो मेरा भाग्य है। जो हम बोल रहे हैं वो हमारा कर्म है, लेकिन जो कर्म वापस आ रहा है वो मेरा भाग्य बन जाता है, वो मेरी बैलेंस शीट पर ऐड हो जाता है। इसलिए अपने भविष्य को अगर अच्छा बनाना है, दो बातें हैं, एक अपने भविष्य को जानने की इच्छा रखना और दूसरा है अपने भविष्य को अच्छा बनाना। क्या करना चाहिए? जानने की इच्छा रखना या अच्छा बनाना? अच्छा बनाना। तो अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बनाना है तो अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए, अपने श्रेष्ठ कर्मों को बनाइए। एक बहुत सुंदर बात, तीन कारीगर काम कर रहे हैं मंदिर के लिए, पत्थर तोड़ रहे हैं। एक से पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हैं? कहते किस्मत फोड़ रहा हूं। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? कहते रोजी रोटी कमा रहा हूं। और तीसरे से पूछा आप क्या कर रहे हैं? बड़े नशे से बोला, मैं एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा हूं जिसमें बहुत सुंदर देवी या देवता विराजमान होंगे। मेरा भाग्य कितना ऊंच है, मैं उस देवी का मंदिर बना रहा हूं, मैं उस भगवान का मंदिर बना रहा हूं जो सबका बसेरा बनाता, मैं उसका बसेरा बना रहा हूं। सोचिए, थॉट सिस्टम। अब हम किस थॉट से कर रहे हैं? वही सेम काम है, एक कर्म कूट रहा है, भाग्य को कूट रहा है, एक अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और दूसरा श्रेष्ठ सोच से वही कर्म कर रहा है। तो इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, कोई भी कर्म है उसको श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ सोच से कीजिए। छोटा कर्म भी बड़ा बन जाएगा और उसकी रिफ्लेक्शन भी वही आएगी। अगर आप रिजल्ट्स अच्छा चाहते हैं, सामने वाला आपको अच्छा दे,
तो मुझे भी अच्छा देना पड़ेगा। भाग्य अच्छा जानने की कोशिश छोड़ दीजिए, भाग्य तो कहते हैं बनाने से बनता है, तो अच्छे भाग्य के लिए सोचिए कि मैं अच्छा भाग्य कैसे बना सकता हूँ। तो जो कहा कि बाहर से एनर्जी नहीं आती, हम बाहर से जो एनर्जी आ रही है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने रिफ्लेक्शन दे दी उसका रिजल्ट जो आ रहा है हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बदलने की जरूरत किसको है? जो आप दे रहे हैं उसको बदलने की जरूरत है, जो आप दे रहे हैं उसको बदलने की जरूरत है। तो एक सेकंड के लिए, एक छोटा सा एक्सरसाइज नहीं कहेंगे, लेकिन जो आपके आसपास बैठे एक दूसरे को देखिए, आमने सामने जो बैठे एक दूसरे से देखिए, देखिए आपको क्या दिखाई देता है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं एक दूसरों को। सभी देखिए, एक दूसरे को साथी बना लीजिए। आप जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, थोड़े टाइम में आप उस सामने वाले का नजरिया बदल जाएगा, वो आपके नजरिए से ही आपको देखना शुरू कर देगा। जिस नजरिए से आप सामने वाले को देख रहे हैं, इसलिए हमें अपने विचारों को बदलना है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, जो भी काम करें। क्योंकि बैलेंस अभी तक कैसा है, हम घर की सफाई रोज करते हैं, यहां तक कि घर में रखा डस्टबिन उसको रोज साफ करते हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए, ये जो सबसे बड़ा डस्टबिन है उसको कभी साफ किया? ये जो सबसे बड़ा आत्मा का घर है इसको हमने साफ किया? कितने वर्षों नहीं, कितने जन्मों हो गए जो हमने इसको साफ ही नहीं किया, हमने इसका बैलेंस ही नहीं चेक किया, किसमें माइनस ज्यादा है और किसका माइनस ज्यादा, किसका प्लस ज्यादा है। आपको ये मौका मिला है, ये 3 दिन मौका मिला है अपनी क्लीनिंग करने का, अपनी सेल्फ चेकिंग करने का, अपनी बैलेंस शीट को सही करने का। और आगे जाकर के भी आपको एक तरीका बताया जा रहा है, आगे जाकर के भी आप लाइफ में चेक कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आप सौभाग्यशाली हैं जो 3 दिन दुनिया से हटकर आप सोच रहे हैं और सोचना सीख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसलिए विचारों को मुझे बदलना है। किसी आदमी ने पूछा जिंदगी क्या है, किसी दूसरे ने पूछा कि जिंदगी क्या है, तो दूसरे व्यक्ति ने बड़ा सुंदर खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी है ना दुख जिंदगी है, ना गम जिंदगी है ना खुशी जिंदगी है, अपने अपने कर्मों का हिसाब जिंदगी है, अपने अपने कर्मों का हिसाब जिंदगी है। इसी प्रकार किसी दूसरे ने बहुत अच्छा कहा, ना तेरी शान कम होती है ना रुतबा घटता है, ना तेरी शान कम होती है ना रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कुछ कहा वही हंस के कहा होता, जो गुस्से में कहा वही हंस के कहा होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही होप रखती हूँ कि यहाँ से जाने से पहले आप एक दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि हमें अपनी शीट को, अपने बैलेंस को सही करना है। क्योंकि अगर उसमें, आप अकाउंटेंट हो तो जानते होंगे, अगर उसमें एक थोड़ा सा भी नेगेटिव अगर ऐड कर दें तो आप आगे नहीं चल सकते, कंप्यूटर उसको अगले स्टेप में नहीं ले जाता। इसी प्रकार अगर हमारे इस जीवन की बैलेंस शीट में अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव है तो हमारा जीवन आगे चल नहीं रहा है। किसी ने किसी से पूछा कैसे चल रहे हो, तो कहते हैं बस जी कट रही है। किसी और दूसरे से पूछा तो कहा कैसे चल रही है, कहते बस खींच रहे हैं। तीसरे और से पूछा वाला कैसे हैं, तो कहते बस रेड़ रहे हैं।
तो इसीलिए ना हमने काटनी है, ना खींचनी है, ना रेड़नी है, हमने तो जीवन को सफल करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन अनमोल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने बैलेंस शीट को क्लियर किया। बैलेंस का होना जरूरी है, परंतु वो शीट कौन सी है जिस पर हम अपने भाग्य की रेखा कर सकते हैं? वह शीट है हमारे भीतर में। एक बार की बात है, कुछ गुब्बारे उड़ रहे थे, उसे देखते हुए किसी ने खूब कहा, जो दिखाई देता है वह कुछ नहीं है, परंतु जो कुछ है वह उसके भीतर में है। तो हमारी बैलेंस शीट हमारे विचारों से और हमारे कर्मों से ही बैलेंस होता है, और वह जब बैलेंस होता है तब आपे ही सभी की ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती है, जो मुझे जीवन में खुशी आप ही हमारे जीवन में आ जाती है। तो आवश्यकता है मुझे अपने विचारों को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। अब हम सबके बीच में आ रही है अपने इस शरीर के अंगों को बैलेंस में बनाकर सुंदर नृत्य हम सबके बीच में प्रस्तुत करेगी अमरावती से पधारी कुमारी श्रीति। बैलेंस से
हम सबका मन प्रफुल्लित कर दिया। अब मैं आह्वान करना चाहती हूँ श्रीमती सीमा नायर, आप मुंबई थाने से पधारे हैं, आप 2017 में मिसेस भारत अवार्ड से विनर हैं, ग्रीन एम्बेसडर ट्री प्लांटेशन के भी आप एनजीओ के साथ जुड़े हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ इंडिया 50 वुमेन्स में से आप एक हैं 2018 और 2019 में। प्रेस्टिजियस इंडिया ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से आप सम्मानित हैं। इसके साथ साथ आप सर्टिफाइड थिएटर आर्टिस्ट हैं। एनजीओ कंपेरिजन 24 से हमारे सीएम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस से आप सम्मानित हुए हैं और बहुत सारे अवार्ड्स आपने प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं। आज हम सबके बीच में पधारी है श्रीमती सीमा। आज के विषय को हम सबके बीच में रखेंगे आदरणीय सीमा बहन। ओम शांति, प्यार से ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय और सम्मानीय अतिथि एवं भाई और बहनें, आप सभी का दिलो जान से नमस्कार। मीना बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी सुंदर तारीफ आपने करी। बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, हम सब ने फाइनेंशियल बैलेंस शीट जाना है, जानते हैं, सभी जानते हैं, और डे टू डे लाइफ में सब यूज़ भी करते हैं, जिसमें सबको पता है दो कॉलम होते हैं, एक तरफ एसेट्स, एक तरफ लाइबिलिटीज़। एसेट्स क्या होते हैं वो आप जानते ही होंगे, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करे वो चीज़ें हम एसेट्स में डालते हैं, और जो आपके फ्यूचर में थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं आपकी चीज़ें, जो थोड़ा नेगेटिव साइड ले जाते हैं, वो हम लाइबिलिटीज़ में डालते हैं। ठीक इसी तरह लाइफ का बैलेंस शीट होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। अब यहाँ पे एसेट्स में हमारे सारे पॉजिटिविटीज, सारे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव रिलेशंस, पॉजिटिव इमोशंस, ये सब हम एक तरफ डालते हैं। हमारे एजुकेशन हो गए, स्किल्स हो गए, ये सारे हमारे एसेट्स में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ में सारे जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पर्सन्स हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे, लैक ऑफ स्किल्स हुए, ये सारे हमारे लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने थॉट्स को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखना पड़ता है। उसके लिए वो बहुत आसान है कुछ लोगों के लिए, पर बहुत मुश्किल भी है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैं, उन्होंने बताया कि मैं मिसेस भारत आइकन 2017 की विनर हूँ, तो वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगी। मेरी बेटी 10th पास करने के बाद उसने मेरा रजिस्ट्रेशन कराया उसमें, और मेरे को खुद पे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या मैं कभी कर पाऊँगी। बट मेरी बेटी ने बोला, मम्मा मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम कर लोगे, बस तुम अपना माइंडसेट चेंज करो और फिर देखो तुम कितने अच्छे से करोगे। पर उसका वही जो विश्वास मेरे पे था, उस विश्वास ने मुझे विश्वास दिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। एंड देन थैंक यू, और फिर मैंने मेरा 100% दिया, किसी भी वक्त किसी भी हालात में आई डिड नॉट गिव अप। बस उसके विश्वास को कायम रखने के लिए मेहनत पे मेहनत, मेहनत पे दिन रात, रात भर, मतलब ये ब्यूटी पेजेंट कहने के लिए, देखने के लिए बहुत इजी लगता है, पर इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है ये टाइटल हासिल करने के लिए। मैंने भी किया, फिर
2017 में 1st of July मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी बेटी का विश्वास पूरा किया मैंने, एंड देन आई बिकेम द विनर ऑफ 2000 मिसेस भारत आइकन. फिर उसके बाद क्राउन तो मिल गया. अब क्राउन कोई भी पहन सकता है, लेकिन उस क्राउन के साथ एक जिम्मेदारी भी आई मेरे पे कि ठीक है जीत गई, लेकिन अब आगे क्या, आगे कुछ तो मेरे को समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना है, जिन्होंने आज तक मुझे दिया ही दिया है सब कुछ. फिर मैंने ये एनजीओ था हमारा, एनजीओ कंपैशन 24, उसको ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने मेरा काम शुरू किया. वहाँ हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक निर्भया ग्रुप है जहाँ हम रेप विक्टिम्स को काउंसिल करते हैं. उसी के लिए, उसी काम के लिए मुझे सीएम साहब ने फेलिसिटेट किया था. फिर उसके बाद हमारा एक काउंसलिंग टीम है जो ईव टीजर्स एंड विक्टिम्स दोनों को ही काउंसिल करते हैं, क्योंकि सिर्फ ईव टीजर्स को आप सिर्फ विक्टिम्स को काउंसिल करके कुछ हासिल नहीं हो सकता है, हमको बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है तो उसके लिए ईव टीजर्स को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके लिए हमारी पूरी टीम एक उसके साथ काम करती है. फिर रूरल महाराष्ट्र में यूथ डेवलपमेंट, जितने गांव में लड़के लड़कियां जो भी हैं उन लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन वाइज एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ दैट, और उनका सब डेवलपमेंट की तरफ उनको हम लेके जाते हैं. एक मेन चीज़ जो है मैं करती हूँ वो है गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन फॉर एजुकेशन. वो हमने 7 साल पहले शुरू किया था ये इस एनजीओ में, ये काम मैं तब ये काम करती थी और उस वक्त हमने सिर्फ 7 लड़की को अडॉप्ट किया था, पर आज इस साल हमारे पास 10,000 एप्लीकेशंस आए जिसमें से हमने 5,000 गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया और उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले रहे हैं. ये वो बच्चियां हैं जिनकी सिंगल मदर्स हैं, डिवोर्सी हों या विडो हों या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भी काफ़ी स्क्रूटनी करनी पड़ती है क्योंकि काफ़ी फेक एप्लीकेशंस भी आते हैं. तो अब ये सब चीज़ें आप देखो, कोई एक अकेले रास्ते पे नहीं जा रहा है, इसमें भी बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है. आप एप्लीकेशंस आ रहे हैं सबको ले लोगे तो फिर वो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं वो भी भेज देंगे तो जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनको फिर हम पढ़ाई नहीं दे पाएंगे. तो ये सब काम हम लोग करते हैं ज़्यादातर. बाकी आप लोग याद होगा बचपन में सभी ने ये गेम खेला होगा, इमारतें बनाना. कुछ हम बुक्स से बनाते थे, किताबों से या खिलौनों से, पत्थरों से, पर इमारत हम बनाते थे एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और हम एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करते जाते थे, लेकिन क्या होता था वो हल्का टेढ़ा होके गिर जाता था, पर हम बार बार कोशिश करते थे. और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा बेस ही ठीक नहीं है, वो बेस बैलेंस्ड ही नहीं रहता था हमारा, उस वक्त उतनी समझ नहीं होती थी. लाइफ की भी ऐसे ही हालत है हमारी, वो तो खिलौने थे, अभी लाइफ भी हम अपना बैलेंस ही नहीं ठीक कर, हम बेस ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं, इसलिए हम ऊँचे नहीं जा पा रहे हैं. पर ऊँचा सबको जाना है, क्यों? क्योंकि कुछ तो खुद की ख्वाहिशें होती हैं, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, कुछ दूसरों को जलाने के लिए, या फिर किसी से कंपेयर करने के लिए, उसने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते. बस ये जब थॉट्स हमारे में आ जाता है ना, पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, पूरा का पूरा हमारा थॉट प्रोसेस इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ दूसरों के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं. उसने ये किया तो करना है, उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं करूँगी, नहीं, ये गलत होता है. आप क्या करना चाहते हो ये आपको समझना है, आपको खुद को सोचना है. अगर मैं मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे वो करना है तो मैं करूँगी, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उस काम को बदलो, और अगर काम नहीं बदल सकते हो तो काम करने के तरीके को बदलो, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे. और ख़ास कर ये जैसे कि ये दूसरे लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों को देख के काफ़ी जलन भी होती है लोगों को, और ज़्यादातर तो अपना फेसबुक और व्हाट्सएप. आप फेसबुक खोलोगे स्टेटस अपडेट, वेकेशन इन स्विट्ज़रलैंड, वाइल्ड लाइफ इन अफ्रीका, कश्मीर की हसीन वादियाँ,
अब ये सब देख देख के हर घर में कोई ना कोई बोलता है, देखो हमारे दोस्त यहाँ घूम रहे हैं, हमारे दोस्त वहाँ घूम रहे हैं, और हम यहाँ घर पे बैठे हैं वेकेशन पे। पर क्यों हम किसी और के वर्क एंड लाइफ बैलेंस से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? वो अगर वहाँ खुश हैं तो हम यहाँ भी खुश रह सकते हैं अपने तरीके से। व्हाई डू वी नीड टू कंपेयर इट विद अदर्स, नॉट रिक्वायर्ड। खैर ये तो है, ये आम बातें सारे ही करते होंगे, मतलब कोई ना कोई हर घर में एक बच्चा तो होगा ही जो ये कंपैरिजन करता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और एक एग्जांपल जैसे है कि एक बच्चे, एक फादर अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त का 99% आया और तुम्हारा सिर्फ 63%, जबकि स्कूल दोनों का सेम है, ट्यूशन क्लास दोनों के सेम है, ट्यूशन टीचर दोनों के सेम है, फिर तुम्हारा इतना कम क्यों आया? पर पेरेंट ये नहीं देखते कि वो कंपेयर क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे को। आप सोचो कुछ दिन के बाद बच्चा अपने पापा को बोलेगा कि पापा मेरे फ्रेंड के पापा के पास तो BMW है और आपके पास छोटी गाड़ी, मेरे फ्रेंड के पापा के पास बंगलो है और हम तो रेंट पे रह रहे हैं। तब आपको कैसा लगेगा? तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से आप खुद का भी थॉट प्रोसेस इम्बैलेंस कर रहे हो, अपने बच्चे का भी कर रहे हो। इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से जैसे ऑफिस में बॉस का प्रेशर आता है, बॉस ने आप पे अपना स्ट्रेस निकाला, गुस्सा निकाला, आप अपना गुस्सा अपने एग्जीक्यूटिव आपके नीचे जो है उन पर निकाला, अब उसके नीचे कोई नहीं है तो वो घर जाके अपना गुस्सा वाइफ पे निकालेगा, वाइफ तो सुनने से रही, वो बच्चे को दो लगा देगी, फिर बच्चा क्या करेगा, वो अपने घर में जो पेट होगा उसको मारेगा, वो पेट क्या करेगा घर के स्टाफ को काटेगा, घूम फिर के मतलब वो एक का गुस्सा दूसरे पे, दूसरे का गुस्सा दूसरे पे ऐसे निकल रहा है। तो ये हो क्या रहा है? सारी नेगेटिविटीज आप अपने चारों ओर फैला रहे हो। तो इन चीज़ों से हमको बहुत बच के रहना है। अभी अपने लाइफ के एसेट्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, नेट वर्थ होता है, मतलब आप अपने एसेट में से लाइबिलिटीज़ घटाओ। तो जो अगर जो एसेट ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी गुड, कम है तो वो नेगेटिव में जाता है, और इक्वल है तो वो फिर ज़ीरो वैल्यू है। उसी तरह से हमारे लाइफ का नेट वर्थ होता है, उसके लिए भी हमको अपना एसेट बढ़ाना पड़ेगा। और वो हम कैसे बढ़ाएंगे? कुछ वक्त निकालो खुद के लिए, अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए, और बातें करो। ये नहीं कि व्हाट्सएप पे हाय हेलो हो गया, नहीं, बातें करो, अच्छा लगता है बात करना, बात सुनना अच्छा लगता है, समय निकालो, उनके साथ समय बिताओ। फिर आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में कुछ भी कर रहे हो थोड़ा सा ब्रेक लो। अगर आप ब्रेक लोगे तो आपको ब्रेक थ्रू आइडियाज़ भी आएंगे, लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो ब्रेक डाउन होना निश्चित है। देन अनवाइंड योरसेल्फ, मतलब आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, जो भी हो, भगवान की सेवा हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप करें। उससे आप और भी पॉजिटिव एनर्जी अपने में अट्रैक्ट करते हो। फिर उसके बाद है अपने चारों तरफ में जो नेगेटिविटीज़ हैं, आप नेगेटिव पीपल से तो दूर नहीं रह सकते हो, लेकिन उनके थॉट से खुद को ज़रूर बचा सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आप प्रभावित हो लेकिन उनको कंपेयर, उनकी तरह मत करो, उनको कंपेयर, उनसे कंपेयर मत करो। इंस्पायर हो के आप अपने तरीके से काम करो। वो काम आप जो करोगे अपने तरीके से, उसका फल जो आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आप कंपैरिजन में चले जाते हो तो फिर ठीक इक्वल टाइप का रिजल्ट आएगा या उससे नीचे ही आएगा, उससे अच्छा नहीं आ सकता है। फिर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो सबको होती है, छोटी सी हो या बड़ी सी हो।
ये हमें नहीं रखना चाहिए सच पूछो तो. और ये एक्सपेक्टेशंस ऐसी है कि आप दूसरों पे निर्भर हो कि वो मुझे खुशी देगा तो मैं खुश रहूँगी, वो मुझे दुख देगा तो मैं दुखी रहूँगी. पर कोई क्यों आपके लिए कुछ करे? आपके हाथ में है, आपके अंदर है. आप खुश अंदर से रहोगे तो आप खुश दिखोगे. आप किसी पे निर्भर नहीं हो, आपके किसी के उस पे आपका खुशी या दुख या कुछ भी वो निर्भर नहीं करता है. फिर लास्ट है कि आप उनके लिए रहिए जिनको आपकी ज़रूरत है. बहुत हैं दुनिया में, आप चलते भी रहोगे, राह चलते भी बहुत लोग दिखते हैं जिनको ज़रूरत होती है, आप जानो पहचानो या ना जानो पहचानो. उस समय अगर आप कुछ कर रहे हो ना, वो आपके दिल से होता है. दिखाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, सारे लोग दिखावे के लिए भी बहुत कुछ करते हैं. पर मैं खुद भी जो भी काम करती थी, मैंने कभी भी अपने बारे में कहीं ज़्यादा बोला नहीं है. वो बोलना पड़ता है, पूछते हैं तो सुनाना पड़ता है, नहीं तो मैं किसी को बोलती नहीं मैं क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ ज़्यादातर. मैं बहुत 10 साल तक बिना किसी के नॉलेज में आए अपना काम करती आई हूँ, सोशल सर्विस करती आई हूँ. वो घर घर जाके, स्लम एरिया में जाके, ऑर्फनेज में जाके, होम शेल्टर्स में जाके, ओल्ड एज होम में जाके, हर जगह मैंने निस्वार्थ काम किया है और दिल से किया है. तो आज भी किसी का ये सब सेंटर्स में कहीं पे किसी का कोई ओकेजन होता है तो सबसे पहले वो याद करते हैं, सीमा बिटिया को बुलाओ, वो आएगी तो हम ये करेंगे. मतलब ये प्यार और सम्मान मिलता है मुझे उन लोगों से. फिर अब यहाँ से जाने के बाद आप लोग एक काम करना, अपना एक लिस्ट बनाना, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ का, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और बनाओ. फिर 5-6 महीने के बाद वापस बनाओ, फिर 5-6 महीने के बाद वापस बनाओ. आप देखोगे कि आपके लाइफ की जो नेटवर्थ है वो कैसे इंक्रीज होती जा रही है. और उसके बाद आप ज़्यादा खुश पाओगे खुद को, यू विल बी मोर हैप्पियर. आपका मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये सब वेलबींग सारा बढ़ते ही जाएगा. आप एक अच्छे पोजीशन पे रहोगे अपना गोल अचीव करने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए. और इसी तरह से आपकी लाइफ की जर्नी विल बी मोर एंड मोर प्लेजेंट. बस अंत में हाँ, एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ का शेयर करना चाहूँगी. मैं ब्रह्म कुमारी से बहुत टाइम से नहीं जुड़ी हुई हूँ. बस फर्स्ट टाइम मैं 15 अगस्त को थाने के सेंटर पे गई थी, लतिका दीदी ने मुझे इनवाइट किया था तो उनसे मिली, और ये सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ. तो मैं यहाँ आने से पहले, सच बोल रही हूँ, कुछ मुझे पता नहीं था. लेकिन और मैं जब से आई हूँ यहाँ पे, मेरी तबीयत बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है. सर में कुछ है मेरे को, आने से पहले से ही तबीयत ख़राब थी, बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा था. अभी जानकी दादी आई थी, वो गाड़ी से निकली, उनको मैंने देखा, उन्होंने मुझे देखा, और आप बिलीव नहीं करोगे, तब से लेके अभी तक में वो दर्द मेरे को हुआ ही नहीं है. मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो मैं कभी नहीं भूल सकती. और जिस दर्द से मैं इतनी परेशान थी, हॉस्पिटलाइज तक हो चुकी थी, वो एक दृष्टि से गायब हो गए हैं. मतलब मैं बोल सकती कि एक्चुअल में वो स्पिरिचुअल वो है, कोई है यहाँ पे, मतलब जिनका ये आशीर्वाद है और सब हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं. लास्ट में दो लाइन बोलूँगी. बाबा कहते हैं, उदास मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ. उदास मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुम्हारे सामने नहीं पर आस पास हूँ. पलकें बंद करके दिल से याद करो, पलकें बंद करके दिल से याद करो. मैं और कोई नहीं, तुम्हारा विश्वास हूँ, तुम्हारा विश्वास हूँ, तुम्हारा विश्वास हूँ. ओम शांति. धन्यवाद सीमा बहन, बहुत सुंदर बातें कि मुझे अपने आप को किसी से कंपैरिजन में नहीं आना है. परंतु परमात्मा शिव पिता हमें हमेशा कहते हैं कि कंपैरिजन में नहीं आना है, परंतु अपने आप को कंप्लीट बनाना है. यही बैलेंस शीट ऑफ लाइफ है. अब मैं आह्वान करना चाहूँगी
Srimati Pooja Kalra from Delhi. आप एक राहत फाउंडेशन की फाउंडर हैं. आप मेंबर ऑफ सेवरल हैरेसमेंट कमिटी फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं. आप ट्रांसप्लांट कमिटी के भी कार्य कर रहे हैं. बहुत सारी स्कूल्स की भी आप मैनेजमेंट कमिटी के मेंबर्स हैं और अपने आप में बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं आदरणीय श्रीमती पूजा बहन. सबसे पहले मैं मंच पे विराजमान महान विभूतियों को नमस्कार करती हूँ और मेरे सामने जितने भी समाज सेवी हैं मैं उनको नमस्कार करती हूँ. और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करती हूँ सरिता दीदी का, जिन्होंने इस पावन धरती पे आने का मुझे एक मौका दिया. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी व्यस्त जिंदगी, इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कि सुकून के पल ये मुझे श्रेय जो मुझे यहाँ से मिले वो मैं सरिता दीदी का एहसान नहीं उतार पाऊँगी. सारी ज़िंदगी भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़. इनसे इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी कि एक दिन दीदी ने मुझे बुलाया और 5 मिनट के लिए इनके पास मैं बैठी तो मुझे लगा कि आज तक जो हम समाज सेवी सभी करते हैं, सभी समाज सेवी किसी न किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं. कोई बच्चों पे काम कर रहा है, कोई वुमेन्स पे काम कर रहा है. आज मैं सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मेंबर हूँ. ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं आकाश हॉस्पिटल में, उस कमेटी की मेंबर हूँ. क्या होता है, हम जाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं. हमने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी सुकून के लिए क्या किया. अभी अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन किसी में काम कर रही थी, भारत विकास परिषद की ओर से एक कंपटीशन किया गया जिसमें सभी पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हुए थे और सभी पब्लिक स्कूल के बच्चों में एक साइंस पे कंपटीशन था, हिंदी पे कंपटीशन था. बच्चों से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो बच्चे हर चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब दे रहे थे. सिर्फ बच्चों को किस चीज़ का जवाब नहीं देना था कि भारत को पहचानो. टॉपिक था भारत को पहचानो. अगर हमने अपनी संस्कृति से रिलेटेड किसी बच्चे से भी क्वेश्चन पूछा, अगर 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो बच्चा 2 के क्वेश्चंस के जवाब प्रॉपर वे में नहीं दे पाया. बच्चे को ये भी नहीं पता कि होली फेस्टिवल कौन सी डेट को मनाई जाती है, दिवाली कब मनाई जाती है, हमारे कौन से फेस्टिवल हैं. बच्चों को नहीं पता. क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता, इसका रीज़न हम खुद हैं. वो कहते हैं ना कि किसान है, किसान खेती करता है, पानी दे रहा है, वो सब तरीके से सब जगह पानी एक ही पानी दे रहा है, उसके पानी में कहीं फर्क नहीं है. फर्क पानी में फर्क एक जगह पे उसी पानी से करेला आ रहा है, एक उसी जगह से इमली आ रही है और उसी जगह से आम आ रहे हैं. ऐसा क्यों, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पानी तो एक ही दिया गया है. पानी में तो किसान ने कहीं फर्क नहीं रखा, पर उसके धरती पे करेला भी आ रहा है, नीम भी आ रहा है, इमली भी आ रही है. क्यों? क्योंकि बीज वो डाले गए हैं, हमने बीज वो डाले हैं. इसी तरीके ये जो है बैलेंस हमने कहा अपने घर पे भी बनाना है, अपने बच्चों में बैलेंस बनाना है, अपने घरों में बच्चों में वो बीज बोने हैं. जो बीज हमने नहीं बोए वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उन चीज़ों को अपने आप को हमने समझाना है कि हमने बच्चों को आज छोटे छोटे बच्चों के साथ आज सुबह न्यूज़पेपर उठाने को मन नहीं करता क्योंकि उसमें सारी सारी नेगेटिविटी भरी हुई है, उसमें कहीं पॉजिटिव नहीं है. उसमें सुबह उठोगे आपको लगेगा ये बच्चे के साथ ऐसा हो गया, इस छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, वो करने वाले कौन है, वो समाज किसका. आज सुबह से 2 दिन से हम यही इस चीज़ में हम सब चर्चा कर रहे हैं. समाज, समाज किसको कहते हैं? हमारा ही तो बनाया हुआ समाज है, हमारे ही तो बच्चे हैं उसमें. आज अगर छोटी छोटी बच्चियों के साथ समाज में ये कुछ हो रहा है तो करने वाले कौन हैं? हम ही लोगों के तो हैं. एक छोटी बच्ची आती है हम डरते हैं,
कि लेट हो रही है, इसका ध्यान रखना है, बच्ची अगर लेट आ रही है हम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, हम अपने लड़कों से क्यों नहीं करते? जिस दिन माँ अपने बेटे से पूछना शुरू कर देगी कि आज रात को लेट कहाँ से आ रहे हो, हम अपनी लड़की का फेस भांपते हैं कि बच्ची लेट है, बच्ची के चेहरे पे दहशत है, बेटे का क्यों नहीं भांपते? अगर हर माँ अपने बेटे को सवार लेगी तो सोसाइटी अपने आप संभल जाएगी, अपने घर में बच्चे से पूछेंगे तो सोसाइटी सब संभल जाएगी। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी यही तो है, सारी जिंदगी हम दूसरे की कमियां निकालते रहे। यही अगर हमने खुद को तराशा होता तो आज इन फरिश्तों की तरह हम बन गए होते। हम नहीं बने क्योंकि हमने एक दूसरे की कमियों को करौंदा, उनको देखा कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, हमने अपनी कमियां तो देखी ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि रूहों के रिश्ते हैं, ये हमारे रूहों के रिश्ते हैं अगर हम समझें तो, वरना कौन किसी का लगता है? कोई किसी का कुछ नहीं लगता। आज मैंने यहाँ सीखा आके कि ये रूहों के रिश्ते हैं, ये आत्माओं के रिश्ते हैं जिसे हम समझें तो। मैं आज 2 साल से इस संस्था से जुड़ी, पर इनके साथ जुड़ने से मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी का बैलेंस बन गया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे दीदी ने माउंट आबू आने के लिए कहा, मैंने कहा दीदी बहुत बिजी हूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं आ सकती। दीदी ने कहा चलो, दीदी के 2-4 बहन कहने से मैंने सोचा चलो मैं माउंट आबू जा रही हूँ। मैं ये थॉट लेके आई पहले जब आई थी कि मैं माउंट आबू जा रही हूँ, पर आप सच मानिए ये वो पवित्र धरती है, ये पावन धरती है। इसको मैंने उस दिन रियलाइज किया जिस दिन इसके गेट के पास मेरी गाड़ी आके पहुंची, मेरी आत्मा हिल गई, मुझे लगा कुछ है, कुछ यहाँ है। और अब मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि ये तो सभी को पता लग गया कि यहाँ पे कुछ है। अब हम सब समाज सेवी संस्थाओं ने जैसे और वर्क करते हैं, इस काम को भी एक अपना लक्ष्य बना लेना है कि हमें समाज में ये शो कर देना है कि कुछ है तो है, ये सब कुछ है, इस धरती पे सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले बैलेंस कहाँ बनाना है? अपने घर पे, अपने घर पे बैलेंस बनाना है, अपने बच्चों में बैलेंस बनाना है, अपने सिर्फ चेंज किसको करना है? अपनी थॉट को, अपनी समझ को। जिस दिन हम समाज में सभी समाज से भी इतने काम करते हैं, हम लोग इतने काम करते हैं, मैं समझती हूँ कि जो लक्ष्य हम उठा लेते हैं उसको जहाँ तक गवर्नमेंट नहीं पहुँचती वो काम हम करते हैं। बहुत सारे समाज से भी बैठे होंगे, हर फील्ड में काम करते होंगे, किसी ना किसी जगह पे हर लोग पहुंचते होंगे जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुंचती। केरल में अभी इतना ज़्यादा हुआ हम वहाँ पहुंचे, उत्तराखंड में हुआ, मैं खुद उत्तराखंड जाके 10 दिन रही। तो ये भी एक लक्ष्य ले लेना चाहिए कि हमें लोगों की सोच को बदलना है, ये बताना है कि असली क्या है। हमें आत्मा की खुराक चाहिए। आज हम मंदिरों में भागते हैं, हर जगह भागते हैं, सब कुछ करते हैं, हमने अपने आप को शुद्ध करना है, अपने परिवार को। अगर हर पर्सन अपने अपने परिवार को शुद्ध कर ले, अपने अपने बच्चों को शुद्ध कर ले, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि मैली चुनरिया हो गई मेरी, मेरी जो चुनरिया भगवान ने जो दी थी, आत्मा जित हो मेरी, उस पे मैल लगना शुरू हुआ। क्या जवाब देंगे भगवान को जाके? आज बाबा के सामने अगर जब हम जाएंगे, अगर कोई बच्चा हमारे साथ गलती करता है, हमारे सामने फ्रंट पे आके बैठता है, उसकी आंखें झुकती हैं, वो हमारा फेस नहीं कर पाता, हम उसको खुद कहते हैं तू आंख मिला के तो बात कर बेटा मेरे साथ, क्यों? हमें वो बच्चे को पता होता वो गलत है, वो फेस नहीं कर पाता। तो वो है ना, मैली चुनरिया हो गई मोरी, माल है माया जा, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुरा, जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर। कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, अपने बाप के साथ आंखें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि हमारे कर्म, हमें अब अपने ये लक्ष्य ले लेना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है,
कर्म करने हैं और ये संस्था के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि ये और हम मिलके इसको एक और विशाल रूप दे सकें और लोगों में ये ला सकें कि यही है, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम ये कहेंगे कि कुछ तो है इसमें जो हम सबको संभाले हुए हैं, ये कुछ तो है इस धरती में जो सबको संभाले हुए हैं, इतने बेकरार होकर भी हम बरकरार हैं, कुछ तो है इसमें। तो मैं दो शब्दों में यही कहना चाहूँगी कि सभी समाज सेवियों को ये लक्ष्य ले लेना चाहिए कि इस संस्था के साथ हम मिलके काम करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि जो कुछ है बस यही है, ये लास्ट है, इसलिए इसको पहचानो और आगे बढ़ो। ओम शांति थी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा बहन जी, बहुत सुंदर लक्ष्य को आपने अपने जीवन में हासिल करके जा रहे हैं कि जो कुछ है वह यही ईश्वरीय शक्ति है, आध्यात्मिकता ही वह शक्ति है जो जीवन को बैलेंस बनाने वाली है। अगर सच है तो सब हाथ उठाएं। वेरी गुड, अपने लिए जोरदार ताली बजा देंगे और अपने इस लक्ष्य को साथ में लेकर जाएंगे और उसे परमात्मा शिव बाबा के आगे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और जहाँ परमात्म शक्ति हमारे साथ है वहाँ सब कुछ संभव है। अब अपनी बैलेंस शीट को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आ रहा है कुमार अंश जालोर से। कुमार अंश, हरी हरी वसुंधरा पे नील नील ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियाँ, ये सर्प सी घुमेरदार ढेरदार घाटियाँ, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो, चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें सभी विराट की, अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है, ये कौन
कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। जरूर आपके मन में इसका उत्तर तो आया ही है, कौन चित्रकार है, कौन है वो, कौन है वो जो रंग बिना जो रंग भरे, कौन है वह चित्रकार। जरूर हम सबकी बुद्धि में आया है, आंख बिना सब कुछ देखता है, रंग बिना वह रंग भरता है, वह चित्रकार कोई व्यक्ति नहीं है परंतु वह परमात्म शक्ति, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा है। वह मेरा पिता है, वह मेरा सखा है, वह मेरा दोस्त है। थाम लो उसकी तस्वीर को अपने हृदय में, संभालो उसकी यादों को अपनी बुद्धि में, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। अब अंत में आशीर्वचन के लिए मैं आह्वान करना चाहूंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी। आप ब्रह्मा कुमारी सोशल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, दिल्ली से आप हैं, दिल्ली एवं आसपास के कई सेंटर्स की आप संचालन करती हैं। पिछले 48 इयर्स से आप अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में लगा चुकी हैं। इसके साथ साथ बहुत से अवार्ड्स भी आपने प्राप्त किए हैं, एम्बेसडर फॉर पीस बाय द इंटर रिलीजियस इंटरनेशनल फॉर वर्ल्ड पीस, सेकेंड आपने पीस सिंपोजियस 2013 में प्राप्त किया है बाय मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम दिल्ली, धर्म गुरु का अवार्ड आपने प्राप्त किया है 2015 में, वृक्ष मित्र सम्मान 2015 में आपने प्राप्त किया है, और बहुत अच्छी आप प्रवक्ता है, अपने अनुभव युक्त मधुर बोल के द्वारा आज हमें लाभान्वित करेंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी। ओम शांति। मंच पर आसीन मेरी प्यारी बहन सीमा नैयर जी, मेरी सहयोगी बहनें सुमन बहन, मीना बहन, और सभा में उपस्थित सभी ईश्वरीय भाइयों एवं बहनों, काफ़ी समय से आप सभी बहुत ही शांति से, बहुत ही धीरज से, बहुत ही प्रेम से ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। सुंदर विषय बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। आप सभी ने एक सुंदर गीत की कुछ लाइनें सुनी होंगी, और वो लाइनें ये हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आंसर आता है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। जब ये कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर हमारी, तो ये तकदीर हमारी बैलेंस शीट है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा जन्म जिस भी स्थान पर हुआ, जिन माता पिता के द्वारा हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ, उन सब के पीछे हमारी बैलेंस शीट होती है। पास्ट जन्म, पिछले जन्म में हमने जो भी जीवन भर किया, क्योंकि हम ये जानते हैं जीवन सदा एक समान एक रस नहीं रहता,
उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब जब जीवन में हमने अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म किए, तो हमारा खाता प्लस में गया। लेकिन जब जब किसी भी कारण, चाहे स्वार्थवश, चाहे लोभवश, चाहे किसी के संगवश, व्यक्ति गलत कर्म करता है, तो उसका खाता माइनस में जाता है। और पूरे जीवन में हमने माइनस प्लस करते करते जब जीवन का अंतिम टाइम आ गया, आत्मा इस शरीर को त्यागती है, पर आत्मा कभी मरती नहीं है। कहा जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा अपनी कर्म कहानी, अपनी पास्ट की तकदीर, अपना पास्ट का लेखा जोखा, खाता बैलेंस, वो साथ लेकर के आती है। इसीलिए आप देखेंगे आज कोई बच्चा पैदा होते ही बहुत बड़े रोग से ग्रसित होता है। उस समय तो उसने कुछ किया ही नहीं, पर क्यों उसे इतना बड़ा रोग आ गया? किसी बच्चे का जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ, किसी बच्चे का जन्म साहूकार परिवार में हुआ, किसी बच्चे का जन्म श्रेष्ठ संस्कारों वाले माता पिता के पास हुआ, और किसी बच्चे का जन्म किसी वैश्या के घर हुआ। हर एक चीज के पीछे बैलेंस शीट काम करती है। अब ये बैलेंस शीट जो हमारे साथ में आई है, उस अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, परंतु पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, हो चुका है। इसलिए कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। फ्यूचर का कुछ पता नहीं, पास्ट जो हो गया वो हिस्ट्री बन गया, लेकिन प्रेजेंट, प्रेजेंट इज एज ए प्रेजेंट, एज ए गिफ्ट। तो प्रेजेंट टाइम ये मेरे हाथ में है, भले बैलेंस शीट मेरी पास्ट की मेरे साथ में है, उसके अनुसार जो हो रहा है वो बैलेंस शीट के आधार से हो रहा है। यदि किन्हीं भी कारणों से हम दुखी होते हैं, मन मुटाव होता है, हम टेंशन में आते हैं, परेशान होते हैं, परंतु आपने गीत की लाइन कभी सुनी होगी जो कहा जाता है हर चीज के पीछे कोई तो कारण होगा। किसी को तो कांटों पर भी नींद आ जाती है और किसी को डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आती। किसी को 56 प्रकार के व्यंजन प्राप्त हैं, परंतु खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, और कोई सूखी रोटी खाकर के भी हष्ट पुष्ट है। कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? कारण है हमारी बैलेंस शीट। परंतु अभी हम इस बात को कह रहे हैं, पास्ट वाली बात वो हमारे हाथ में नहीं है,
मेरे हाथ में केवल प्रेजेंट है। बहुत सुंदर फॉर्मूला परमात्मा ने हमें सिखाया है और वह ये है कि किसी भी परिस्थिति के लिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो हमें 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर करना चाहिए, लेकिन यदि किसी परिस्थिति के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो सोचकर दुखी नहीं रहना चाहिए। परंतु 20 नाखूनों का जोर लगाना चाहिए यदि हम कर सकते हैं तो। मान लीजिए जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार से हमारी अपेक्षाएं हैं, हर माता पिता की बच्चों से अपेक्षाएं होती हैं कि बच्चे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, ये हमारी लाठी बनेंगे, ये उम्मीद होती है। परंतु यदि बच्चे वैसा नहीं कर रहे या हम जिन संबंधों से सुख की अपेक्षा करते हैं और उन संबंधों को हम बनाते ही इसलिए हैं कि उनसे हमें सुख मिले, परंतु वही संबंध वही नज़दीक के रिश्तेदार हमें सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं। आज दुख का कारण बाहर के लोगों की बातों से दुखी रहना नहीं है, लेकिन अपनों से जो दुख या दर्द मिलता है उससे बहुत अधिक परेशानी है, और कारण केवल बैलेंस शीट है। एक राज की बात, हम हमेशा हर एक का आदर करें। इस बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का, हर एक संबंध का, हर एक सीट का, पोजीशन का, सबका आदर करें। कहा जाता है यदि एक तिनका भी उड़कर हमारी आंख में आ जाए हमें नेत्रहीन बना सकता है। उस तिनके का भी हम आदर करें। अन्न भगवान ने खाने के लिए दिया उसका भी आदर करें। इसलिए पहले लोग जब भोजन करते थे तो पहले परमात्मा को भोग स्वीकार कराते थे, शांत चित्त होकर बैठते थे, एक टुकड़ा अलग निकाल के भी रखते थे, अन्न का आदर करते थे। आज माता पिता क्या सिखाते हैं? कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लग रहा फेंक दो, कोई हर्जा नहीं। अगर अन्न को वेस्ट किया, अन्न का निरादर किया, ये समझ लें हमें अन्न मिलने वाला नहीं है। यदि हमने अपने बच्चों का निरादर किया, जबकि बच्चे में बहुत प्यारे होते हैं, दिल के टुकड़े होते हैं, लेकिन अनेक परिस्थितियों वश हम उन्हें बहुत कुछ कह दिया करते हैं। आप सभी अनुभवी हैं, यदि उन बच्चों का निरादर किया, कभी कभी तो क्रोध में या परेशान होकर माता पिता ये भी कह देते हैं कि बच्चे ना होते तो अच्छा था। परंतु याद रखें, यदि उनका निरादर करेंगे तो हमें किसी जन्म में बच्चे मिलने वाले नहीं हैं। बहुत से लोग इस बात से आज भी परेशान हैं। यदि हम अपने माता पिता का निरादर कर रहे हैं तो आप पाते हैं बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें वो छोटा सा बच्चा बच जाता है, बाकी सब
मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों बच्चा वो अनाथ रह गया? क्योंकि कभी ना कभी उसने माता पिता का निरादर किया, हर चीज का आदर करें, तुम्हारी बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे एटीएम का जमाना है, हमको कोई भी आवश्यकता होती है, जब जब आवश्यकता होती है तब हम जाते हैं, एटीएम यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में उसका बैलेंस आता है। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस को देखकर खुशी होती है। अच्छे कर्म का, श्रेष्ठ कर्म का बैलेंस होगा, वर्तमान जीवन में हम खुशनुमा रहेंगे, सुखी रहेंगे। और अगर मेरा बैलेंस श्रेष्ठ कर्म का नहीं होगा, माइनस में ही है, तो सुख का अनुभव नहीं होगा। पर कभी कभी हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सोचते हैं हम तो दूसरे के साथ बहुत अच्छा चलते हैं, परंतु दूसरे हमारे साथ अच्छा नहीं चलते। हम दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, पर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो कब तक हम अच्छा करें, कब तक हम उन्हें देते रहें, कब तक हम सहन करते रहें? इस सवाल के कारण से हम सोचते हैं जैसे सारे लोग कर रहे हैं वैसे हम भी सही। परंतु हमें याद रखना है कि यदि मेरे सिर पर कर्जा है पास्ट का, इसलिए मेरे आगे दुख है, इसलिए मेरे आगे प्रॉब्लम है, सारी दुनिया के आगे तो प्रॉब्लम्स नहीं है पर मेरे आगे हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर कर्जा है, मेरा बैलेंस माइनस में है, तो मुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा। ज्यादा कमाने का अर्थ कि अगर कोई मुझे कष्ट भी दे, मुझे परेशान भी करे, मुझसे अभद्र व्यवहार भी करे, तब भी मुझे उससे अच्छा करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा अच्छा होता जाएगा तो हमारी बैलेंस शीट बढ़ती जाएगी, तो हम पाएंगे हमारा जीवन इतना सुखमय बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा, जो जीवन का आनंद क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए जीवन की परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न शब्दों से दे दी, जिसने जैसा अनुभव किया वैसी बात कह दी, परंतु जीवन बड़ा आनंदित है, जीवन बड़ा सुखमय है, परंतु जीवन सुखमय उसी का है जिसकी लाइफ में श्रेष्ठ कर्मों का बैलेंस है। कभी हम दूसरों को नहीं देखें, दूसरे क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे किसी स्टूडेंट ने यदि एम रख लिया, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, दूसरे विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे, उसको ध्यान में नहीं रखता, उसकी गिनती नहीं करता, परंतु वो ये सोचता है मुझे रात दिन जाग करके भी मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं। जिसका जो लक्ष्य होता है उसी लक्ष्य अनुसार उसके कदम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे ने सोचा मुझे 33% मार्क्स से ही पास होना है, उतने ही सफिशिएंट होते हैं, तो ठीक है, तो फेलियर बच्चों की लिस्ट निकालता है और घर में भी आके बोलेगा, पापा मालूम है कौन कौन फेल हुआ, हमारी क्लास में तो एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। उसके पास लिस्ट फेलियर्स की होगी, परंतु हम क्या क्या बनना चाहते हैं? हमें पास विद ऑनर बनना है, फेलियर्स की लिस्ट में नहीं आना। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा सारा जीवन दुख में ही सफर करे। हर व्यक्ति सोचता है यदि आज दुख है
तो कल चेंज हो जाए भाई, आज मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं कल ठीक हो जाएं, आज ऐसा है कल ऐसा ना हो। माता पिता भी ये सोचते हैं, कहते हैं कि जो कष्ट हमने सहा है वो हमारे बच्चे ना सहें, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, क्योंकि उनका प्यार है। परंतु हम सभी को भी ये चाहिए कि यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन आरामदायक चाहते हैं और चाहते हम पास विद ऑनर रहें, हमें अपने जीने पर गर्व हो, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हम अपना श्रेष्ठ कर्म का खाता चालू रखें, कभी इस खाते को बंद नहीं करें। और जो माइनस वाला है, अश्रेष्ठ वाला है, पाप कर्म वाला है, जो हमारी कॉन्शियस जिसे अलाउड नहीं करती, उसे हमें नहीं करना। हम अंदर और बाहर एक जैसे बन जाएं, सच्चाई हो। अभी क्या होता है, बाहर से हम दूसरे का स्वागत करते हैं, आप आइए बैठिए, लेकिन अंदर में क्रोध में हैं, परेशान हैं। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, तो हमारी जो खुशी होगी वो भी कैसी होगी? हमारी खुशी भी ऐसी होगी कि चार लोगों के सामने हम खुश नजर आएंगे, लेकिन ज्यों ही घर में पहुंचेंगे वातावरण टेंशन वाला। कारण? कारण कोई और नहीं, मेरी अपनी बैलेंस शीट, क्योंकि हम अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। यदि इसका हम परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि आप सभी उस सत्य परमात्मा को जानकर आप भी सत्यवादी बनिए, अपने संबंधों को भी सच्चा बनाइए। आज अपने, जिनको हम अपने कहते हैं, उन अपने रिश्तों में भी सच्चे नहीं हैं हम। जिनके हम सबसे क्लोज हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का संबंध जो सबसे क्लोज है, वहां पर भी सच्चाई नहीं है। परंतु जहां सच्चाई है, जहां वफादारी है, जहां रियल प्यार है, वहां खुशी है, वहां सफलता है, और वहां हमारी बैलेंस शीट श्रेष्ठ कर्म की बढ़ती जाती है, प्लस 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 होता जाता है। और जब सारी बैलेंस शीट अच्छी होती है, आज भी हमारे पास धन बैलेंस में है, बहुत अच्छा है, तो हम सोचते हैं क्यों ज़्यादा चाहिए हमको धन, क्यों ज़्यादा सैलरी चाहिए। इसलिए ज़्यादा चाहिए कि आराम से जो हम चाहते हैं, जो करना, पहनना, खाना पीना, रहना सहना, सब बहुत अच्छे से कर सकें, इसलिए हमें सफिशेंट फंड चाहिए। वैसे जीवन में ज़्यादा खुशी चाहिए, हमेशा खुशी चाहिए, हमेशा सफलता चाहिए, हमेशा हम आगे बढ़ें, उसके लिए इसका भी खाता प्लस वाला करना होगा। सिंपल सी बात, जो हमारे हाथ में है हम उसको करें। केवल गलती अभी तक हम यही कर रहे हैं कि हम दूसरों का ध्यान रखते हैं कि वो नहीं करने देते, वो ऐसे हैं, आप उनको छोड़ दो, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में उसे कीजिए। देखिए, यदि हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, हमारे पास शीट आती है, प्रश्न पत्र आता है, हम सारे प्रश्न पढ़ते हैं एक बार दो बार, परंतु हम क्या देखते हैं कि मुझे कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आते हैं। ज्यों ही पता लगा मेरे को जो जो आता है, तुरंत लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और जो नहीं आता बाद में सोचेंगे मुझे किसकी हेल्प लेनी है, लेकिन जो आता वो तो हम कर लें। तो जो चीज़ मेरे हाथ में उसको तो हम करें। अगर मेरे हाथ में क्रोध कंट्रोल करना है, सेल्फ का क्रोध कंट्रोल करना है, वो तो हम करें। अगर हमने क्रोध कंट्रोल कर लिया, एटलीस्ट हम तो खुश रहेंगे, हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हमारा वातावरण अच्छा रहेगा, हमारे रिश्तेदार भी खुश रहेंगे। तो जो चीज़ मेरे हाथ में है वो हम करें।
और सबसे सहज बात, सबसे सहज, हमेशा शुभ दुआएं दें। अपने आप के लिए भी शुभ दुआएं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा बनना है। जो मेरे संबंधी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बहुत अच्छे हैं। मेरे पड़ोसी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे सारे मित्र संबंधी सब बहुत अच्छे हैं। सबके लिए शुभ भावना, सब आगे बढ़े, सब सुखी हों, सबकी उन्नति हो, सब दिनों दिन तरक्की करें, ऐसी शुभ भावना रखेंगे। जब हम दूसरों के लिए रखेंगे तो वो भावना हमारे पास स्वतः ही आएगी, और जब उनकी भावना भी, मेरी अपनी भावना भी शुभ, और रिटर्न में मुझे जो दूसरों द्वारा मिली वो भी शुभ, तो मेरी बैलेंस शीट कैसी हो गई? प्लस वाली। तो ऐसी बैलेंस शीट को आप सभी बनाएं और आप सभी पास विद ऑनर हों अपनी लाइफ में, ये हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी। एक बार की बात है, किसी ने पूछा व्हाई द आईज आर प्लेस्ड इन फ्रंट, व्हाई द आईज आर प्लेस्ड इन फ्रंट, क्या उत्तर होगा? बिकॉज वी लुक ऑलवेज अहेड नॉट बैक, दिस इज द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग द लाइफ। दूसरी बात, लाइफ का स्पेलिंग हमें सिखाता है LIFE, लुक इंटरनली एंड फोकस एक्सटर्नली। यही एक की है, ऑलवेज मुझे अपने भीतर में फोकस करते हुए अगर हम बाहर को देखते हैं तो सदा हम स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, अर्थात स्वयं का जो आदर करता है वही आदर को पाता है, और यही जीवन को जीने की कला है। मुस्कुराहट और दुआएं हमारी बैलेंस को बनाए रखता है। तो आज हम सभी यही गिफ्ट को साथ में लेकर के जाएंगे और सदा अपनी बैलेंस शीट ऑफ लाइफ को कैसा रखेंगे? प्रॉफिट में रखेंगे, लॉस में नहीं। यहाँ करके लॉस खत्म, इन्वेस्टमेंट गुडविल जो हमारे साथ रहेगा। इसके साथ आज के इस सत्र में, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ में, स्वयं परमात्मा शिव पिता जो हम सबकी बैलेंस शीट को न केवल देखता है परंतु बनाने वाला है, गाइडलाइन करने वाला है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। इस बैलेंस शीट को सही करने की कलम पिताश्री ब्रह्मा के द्वारा हमारे हाथ में पकड़ाई है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मंच पर आसीन हमारी पर्सनालिटीज जिन्होंने सुंदर सुंदर व्यूज हम सबके बीच में रखे, आप सबका भी धन्यवाद। और यदि आप नहीं होते तो हम किसके आगे अपने व्यूज रखते? तो आप सभी जो इतना मोस्ट वैल्यूएबल समय निकाल करके आज के सत्र में बड़े ही उमंग से पधारे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब एक मिनट हम साइलेंस में शुभ बाबा की याद में बैठेंगे और इसके बाद दूसरा बहुत सुंदर सत्र शुरू होगा। ओम शांति।